और वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट एंड दिस इज बाय द वे अ कर्लिंग प्रोडक्ट, यानी कि आपके बालों को कर्ल करेगा. सो मैंने अभी रिसेंटली एक हेयर कर्लर परचेज किया है एंड बाय द वे दिखने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एंड यूज करने में भी उतना ही ज्यादा डिफरेंट है एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. ये जो ब्रांड है ये लेना ब्रांड की तरफ से है ये कर्लिंग आयरन. ये बाय द वे अमेजोन की जो इंडियन वेबसाइट है यानी amazon.in वहां से नहीं खरीदा है, amazon.com यानी कि जो यूएस वाली वेबसाइट है अमेजोन की मैंने वहां से खरीदा है. इनकेस अगर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं अमेजोन पे देन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेक श्योर यू चेक इट आउट. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू एज वेल एज द डेमो. फर्स्टली प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो नाम है या जो स्टाइल वेरियंट है वो है लेना जेनी कर्ल ऑटो कर्लिंग आयरन. दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. मैंने ब्लैक कलर में मंगाया है बट ये एक पिंक कलर में भी अवेलेबल है जिसका इमेज मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ. मुझको ब्लैक कलर काफी प्रीमियम लग रहा था, दिखने में भी बहुत ही ज्यादा हाई क्लास हाई क्वालिटी लगता है अप क्लोज एज यू कैन सी. एंड कमिंग ऑन की आपको इसके साथ और क्या क्या मिलता है, सो आपको इसके साथ एक $10 ऑफ का कूपन मिल जाता है एज वेल एज एक यूजर गाइड है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. एंड इसी के साथ एक हेयर सेक्शनिंग कार्ड है जो कि कुछ इस टाइप का है दिखने में, जिसका यूजेज मैं आपको डेमो के वक्त समझा दूंगी बिकॉज ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है. एज वेल एज यू गेट अ कैरी बैग, ये एक छोटा सा स्टोरेज पाउच है. फर्स्टली मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देती हूँ एज वेल एज ये जो सारे बटन्स दिए हुए हैं ये कैसे वर्क करते हैं, सो आई विल बी टेलिंग यू वन बाय वन. सबसे पहले ये पावर बटन है जिसको कि आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है फॉर 3 to 4 seconds और तब ये प्रोडक्ट चालू हो जाएगा विथ अ बीप साउंड जो कि मैं आपको करके भी बताऊंगी. फिर ये जो आप बटन देख रहे हो ये लॉन्ग वाला ये है टेम्परेचर कंट्रोल का. टेम्परेचर सारे के सारे यहां पे मेंशन है विथ अ लाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है इसका 302 फ़ारेनहाइट है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 410 फ़ारेनहाइट. देन इसमें जो ये दो बटन्स आप देख रहे हो ये इसको रोटेट करेंगे, यानी कि स्पिन बटन्स हैं ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला. सो डिस्पाइट कॉमन स्पिन बटन की जगह पे इन्होंने लेफ्ट स्पिन एज वेल एज राइट स्पिन बटन्स दिए हुए हैं. सो दिस इज सूटेबल जिनको भी ज्यादा थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए एज वेल एज उनको इनवर्ड कर्ल्स चाहिए या आउटवर्ड कर्ल्स, तो इस तरीके से आप अपने कर्ल्स को डिटरमिन कर सकते हो यूजिंग द लेफ्ट एंड द राइट स्पिन बटन्स. नाउ कमिंग ऑन टू दिस एक्चुअल कर्लिंग बैरल, सो आप देख सकते हो कि ये पिंक कलर का जो बैरल है ये एक्चुअल में आपके बालों को कर्ल करेगा और ये जब हीट होता है जब ये ऑन होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है. ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा ये हीट प्रोटेक्शन कवर है जिसकी वजह से कोई भी जलने के चांसेस नहीं है. यू विल नॉट फील एनी बर्निंग सेंसेशन बिकॉज इट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू. बाय द वे एक चीज और है कि आप सोच रहे होगे कि क्या ये डिटैच होता है, सो ये डिटैचेबल नहीं है, दिस इज ऑल फिक्स्ड टुगेदर. ये आप डिटैच करने की कोशिश मत करिएगा बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये अलग से लगाना है, दिस इज ऑल इन ऑल अ कंप्लीट प्रोडक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द वायर, तो ये जो वायर है ये तकरीबन 2 मीटर का वायर है, यानी 2 मीटर्स का आपको वायर मिल जाता है. बट इसका जो प्लग है ये टाइप ए प्लग है एज यू कैन सी दिस, और इंडिया में जनरली टाइप सी और टाइप डी के प्लग ज्यादा यूज होते हैं. सो आपको एक नॉर्मली कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा. मैंने भी एक कन्वर्टर इस टाइप का खरीदा है जो कि टाइप सी में कन्वर्ट कर देता है इस वाले प्लग पॉइंट को विच इज टाइप ए. सो यहां पे मैं इस कन्वर्टर को इंसर्ट कर रही हूं एंड नाउ इट हैज कन्वर्टेड. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द इंस्ट्रक्शंस टू यूज, कि आपको यूज करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए. सो नंबर वन जो आपको पहली बात का ध्यान देना है वो ये कि जब आप इसको यूज करो आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए. दे शुडंट बी वेट एंड देर शुड बी नो वॉटर ट्रेसेस लेफ्ट ऑन योर हेयर, वरना आपको शॉक आएगा. दूसरा जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये कि आपको बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस लेके ही इसमें कर्लिंग करना है. बहुत ही पतले बहुत ही छोटे सेक्शंस आप लेंगे, तकरीबन इस जितने, इससे ज्यादा अगर आप सेक्शंस लेते हैं अपने बालों के सो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. वो भी मैं आपको डेमो में करके बताऊंगी. अगर ये स्टॉप हो गया तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली स्टॉप हो गया, नहीं, ये रीस्टार्ट मोड में चला जाता है, यानी कि बिल्कुल ही ठंडा होएगा, 2-3 मिनट लगेगा इसको ठंडा होने में एंड देन फिर आप इसको रीओपन कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके बाल चाहे जिस भी टाइप के हो आप इजिली अपना टेम्परेचर अपने उन बालों के हिसाब से सेट कर सकते हैं. यानी इनके अगर आपके बाल थोड़े डैमेज्ड हैं या पतले से बाल हैं सो आप बिल्कुल ही लोएस्ट टेम्परेचर पे रखिए विच इज 302 फ़ारेनहाइट, या इनकेस अगर आपके कोर्स हेयर है ड्राई हेयर है बहुत ही थिक बाल हैं आपके तो आप हाईएस्ट टेम्परेचर पे रख दें. एंड मीडियम टेक्सचर है मेरे बालों का ऑल दो वॉल्यूम ज्यादा है, सो मेरे लिए जो सेटिंग सूटेबल है मेरे बालों के लिए वो ये मिडिल वाली सेटिंग्स है
which is 374 और 338 फ़ारेनहाइट एंड बेसिकली जिस भी टेम्परेचर पे आप इसको सेट करते हो अपने बालों के हिसाब से सो यहाँ पे एक एलईडी लाइट उस टेम्परेचर के सामने ब्लिंक करेगी ऐसे एंड कम से कम एक दो मिनट लेगा पूरा ही हीट होने में एंड उसके बाद इसका ब्लिंकिंग लाइट जो है वो बंद हो जाएगी एंड फिर एक सॉलिड लाइट जलती रहेगी. अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है एंड नाउ द लाइट इज कंटिन्यूअसली रनिंग. बट डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे जो इमेजेस बनी हुई हैं वो दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे हेयर सेक्शनिंग कार्ड का यूजेज समझाया गया है, फिर यहाँ पे पूरी पिक्चर वाइज इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, विच यू कैन डेफिनेटली रेफर टू इट जब आप इसको कर्ल करेंगे इसके साथ अपने बालों को. कर्लिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी अपने बालों पे थोड़ी देर पहले सिरम लगाया हुआ था बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए वरना कि आपको शॉक लग सकता है. सो इसलिए सीरम अगर आप लगा रहे हैं या हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अगर आप यूज कर रहे हैं तो तकरीबन 10 मिनट का गैप रखिएगा. एंड अब मैं आपको अपने बाल सेक्शन करके दिखाती हूं यूजिंग दिस. सो इसको बस मैं यहां पर डालूंगी एंड आप देख सकते हैं इस होल के पास में कितने बाल आए हैं एंड This is the hair that is suitable to go in this device. So, आपने देखा कि कैसे मैंने इस sectioning card को use करके अपने बालों को section out किया है. And अब मैं अपने section किए हुए बालों को यहाँ पे रखूँगी अंदर. आप देख सकते हैं कैसे मैंने place किया है. And generally मैं outward curls prefer करती हूँ. So, मैं right side वाला spin button यहाँ पे press करूँगी. तो right side पे मैंने press कर दिया है. And now उसको मैं press करूँगी तो आप एक आवाज़ सुनेंगे जिसकी वजह से ये rotate होगा. और आपको तब तक इसको रोटेट करते रहना है जब तक कि आप बीप साउंड ना सुने, तो तब तक आपको राइट वाला बटन प्रेस करे रखना है. एंड आप देख सकते हैं ये स्पिन जो है वो रोटेट हो रहा है एंड नाउ यू कैन हियर द बीप साउंड. एंड अब मैंने अपने बाल इसमें से निकाल लिए हैं. सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से कर्ल हो गए हैं. वाओ. एंड अब मैं फिर से वापस से सेक्शन आउट करूंगी, एक बार फिर से आपको करके दिखाती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आप देख सकते हैं कि इतने ही बाल मैंने लिए हैं जितने कि इस सेक्शनिंग कार्ड में आ जाए. ओपनिंग में इसको मैं प्लेस कर रही हूँ, राइट बटन को स्पिन कर रही हूँ एंड अपने आप बाल अंदर चले गए. एंड आप देख सकते हैं राइट बटन प्रेस रखा है मैंने, यू कैन हियर द साउंड एक्चुअली. एंड अब ये बीप बज रही है. ओके So now I'm removing my hair from this. Okay. So this is the curl that I have got. And guys, I'll also show you that what will happen if you put a bigger piece of hair in the curler. And as you can see, I did this mistake and my hair got stuck. And also the device has stopped completely. It will remain closed for the next 2 or 3 minutes and then you can open. Now due to the clamp free technology, the hair doesn't break while it is in there. So you can easily remove your hair, but please make sure to use a hair sectioning card always. And put smaller sections of hair so your curls will be really beautiful and long lasting also. Once you get the hang of it, it is really easy to use. And I'll be completing the rest of my hair and I'll be right back. सो गाइज जैसा कि आपने डेमो में देखा एंड दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर कर्लिंग. एंड एक बार मैं सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स इसके सम अप कर देती हूँ वेदर और नॉट कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ मस्ट हैव डिवाइस अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करना पसंद है एंड अगर आप एक अच्छा कर्लर ढूंढ रहे हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का. सो प्रो नंबर वन, जैसा आपने देखा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है. सो इट इज वेरी इजी टू यूज एज वेल एज इट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. दूसरा प्रो ये है कि आपके बालों को टग एंड पुल नहीं करता है, क्लैंप फ्री रहते हैं आपके बाल, यानी कि फंसा नहीं लेता है आपके बालों को बिकॉज दैट इज नॉट रियली नीडेड. अगर फंसा लेगा तो आपको अपने बालों को कट करके निकालना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं करता है बिकॉज मोस्टली कर्लर्स करते हैं. और इसी के साथ हमारा प्रो नंबर 3 आ जाता है कि क्योंकि क्लैंप नहीं करेगा आपके बालों को तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल एंड ब्रेकेज भी कम होगा. हेयर आपके बहुत ही स्मूथ रहते हैं आफ्टर कर्लिंग एज यू जस्ट कैन सी. ऑल्दो मैं अभी इसको सेट करूंगी अपने कर्ल्स को विद यूज दिस स्प्रे, ये मेरे पास नोवा गोल्ड की स्प्रे है. सो इसको मैं अभी स्प्रे कर लूंगी अपने बालों पे सो ये और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे. एंड कमिंग ऑन टू प्रो नंबर 5, तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं इस प्रोडक्ट से एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड इट. बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है एंड अगर आप एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हो एंड यू वॉन्ट कि आपके पास भाई कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है, देन जल्दी जल्दी से काम करना पड़ता है, देन दिस वन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स या ड्रॉबैक्स अगर हम बोले इसके, तो सबसे पहले
पहला जो इसका कॉन ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट, बिकॉज $80 ऑब्वियसली आपको कस्टम्स तो पे करने ही होंगे, तो वो कॉस्ट इंक्रीज तो कर ही देता है. कॉन नंबर टू ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, दैट टू इन द बिगिनिंग, जब आप सीख रहे हो प्रैक्टिस थोड़ी लगती है कि आपको कितना सेक्शन डालना है, बट लेटर व्हेन यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट इज दैट इजी पीजी. कॉन नंबर थ्री ये है कि इसकी जो पिन प्लग है वो टाइप सी और टाइप डी नहीं है और टाइप ए है. सो ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं जनरली टाइप सी टाइप डी के होते हैं, सो आपको डेफिनेटली एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ऐसा कोई भी कन्वर्टर प्रोवाइड नहीं कर रही है. सो आई डू होप कि आज का रिव्यू एज वेल एज डेमो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, विच आई थिंक यू शुड, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट. एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस डिवाइस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड इनकेस अगर आप मेरे और भी हेयर स्टाइलर्स एंड कर्लर्स एंड स्ट्रेटनर्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं, उन सभी के ही वीडियोज के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बार जरूर से चेकआउट करें. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन पे हिट करिएगा जरूर से. आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो. बाय गाइज.